नमस्कार प्यारे बच्चों, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सभी का सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कल की क्लास में हमने सबसे पहले मध्यकालीन भारत जो है वो शुरू किया था, और मध्यकालीन भारत पढ़ते वक्त मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम दो तुर्क आक्रमणों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें कल की क्लास में मैंने आपको बताया था पहला तुर्क आक्रमण। और पहला तुर्क आक्रमण आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहला तुर्क आक्रमण किया महमूद ऑफ गजनवी, या जिसे हम महमूद गजनी के नाम से जानते हैं। और महमूद गजनी के वो सभी आक्रमण जिन्हें उसने बार बार भारत पर किया, वो 17 बार बताए गए हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताए थे सभी इम्पोर्टेंट उसके आक्रमण। और इसी कड़ी में हम अगला जो है मध्यकालीन भारत में द्वितीय तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहाँ का शासक करेगा, वो शासक होगा गजनी का ही एक शासक होगा। और बड़े अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं, बार बार हमने पढ़ा है छठी कक्षा में, सेवंथ क्लास में, एट्थ क्लास में हमने ये पढ़ा है मध्यकालीन भारत पढ़ते हुए। तो अगला जो शासक है जिसे मैं आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और हम जानते हैं जिसे मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी। भाई मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, सबने पढ़ा है, सबने मतलब बचपन से ही, जब से हम SST पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं SST में, उसमें हमने मोहम्मद गौरी के बारे में बड़े अच्छी तरह से जाना है, और कहानी आप सभी को अच्छी तरह से पता है। भाई तराइन का युद्ध सबने पढ़ा है, तराइन के युद्ध यानी तरावड़ी जो आज करनाल के अंदर स्थित है, उसी को तराइन कहा जाता था। और हम अच्छी तरह से जानते हैं किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। और वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो 1191 और 1192 के दो युद्ध इसी तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ करेगा, ठीक है। तो सिलसिला कैसे शुरू होता है, भाई सिलसिला शुरू होता है, ये जो मोहम्मद गौरी है ये गौर वंश का शासक है, और गौर वंश कहां एग्जिस्ट किया करता था, गजनी में, गजनी में ही चला करता था। कौन सा वंश, गौर वंश। और गौर वंश का ही शासक कौन था, मोहम्मद गौरी। भाई गजनी कहां पर अवस्थित है, अफगानिस्तान में। और मैंने आपको बताया कि जितने भी तुर्क आक्रमणकारी हुए हैं, जितने भी तुर्क आक्रमणकारी हुए हैं, सभी ने अफगानिस्तान के इस ओरिजिन में अपनी अपनी स्टेट को संभालने के लिए या आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हमेशा ही बाहर देशों पर आक्रमण किए हैं, जिनमें भारत एक प्रमुख देश था, क्योंकि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। और सोने की चिड़िया कहलाने की वजह से बार बार इन आक्रमणकारियों का जो रुख होता था वो भारत पर ही आक्रमण करने के लिए होता था। तो मोहम्मद गौरी जो है वो गौर वंश का शासक था। और अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो इसने कब 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 शासन किया, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1175 से 1175 से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। वह 1175 से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, इसने भी महमूद गजनी की तरह ही 17 बार आक्रमण किए। ये दो ऐसे शासक हुए हैं, ऐसे आक्रमणकारी हुए हैं जिन्होंने 17-17 बार भारत पर आक्रमण किए। तो हम मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं, ये वही मोहम्मद गौरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ भी युद्ध किया दो बार, 1191 और 1192 में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी जाति की बात करें कि ये किस जाति से था, किस वंश से था, तो ये था शंसबी तुर्क था, ये शंसबी तुर्क था। देखिए ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सभी कि ये सारे के सारे तुर्की तुर्किस्तान से संबंध रखते थे, यानी टर्किश थे सभी के सभी ओरिजिन से, मूल स्थान से। और इन्होंने शासन ज्यादातर कहां किया, अफगानिस्तान के ओरिजिन में किया, ठीक है। और गजनी नामक
स्थान पर ही सबसे पहले महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर शासन किया, और शासन करने के पश्चात अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने बार बार भारत पर आक्रमण किए। अगर हम मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की बात करें जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कब कब कौन कौन से आक्रमण भारत पर किए। तो जैसे हमने कल आक्रमण पढ़े थे महमूद ऑफ गजनवी के, तो इम्पोर्टेंट आक्रमण पढ़े थे जिनमें से कुछ हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ एसएससी लेवल पर पूछे जाते हैं, और कुछ यूपीएससी या बड़े लेवल पर भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आक्रमण पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था, इसका जो फर्स्ट अटैक था या इसका प्रथम आक्रमण, इसका प्रथम आक्रमण, देखिए सबसे पहले इसने अपना प्रथम आक्रमण किया कहां पर, मुल्तान में। और मुल्तान कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में मुल्तान एक जगह है। और मुल्तान में ही करमाथी मुसलमान एक जाति हुआ करती थी, करमाथी मुसलमानों की एक, करमाथी मुसलमानों पर इसने पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। उन्हें पराजित किया, भाई पहला ही अटैक पूछ लिया जाता है कि बताइए मोहम्मद गोरी का पहला अटैक कब हुआ। तो पहला अटैक जो इसने किया वो 1175 में ही इसने पहला अटैक किया, कब, 1175 ईस्वी में। और कहां किया भाई, आपसे पूछा जाएगा, बताइए कहां किया, तो मुल्तान में किया। और मुल्तान में किन पर किया, वो करमाथी मुसलमान जाति थी जिसके ऊपर इसने अपना पहला आक्रमण किया था, ठीक है। यहां तक क्लियर है, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान दीजिए कि मोहम्मद गोरी जो है वो द्वितीय आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, ये कहां पर शासन किया करता था, तो ये गजनी में शासन किया करता था। गजनी में, यानी जो आज का आधुनिक अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में गजनी एक जगह है जहां पर ये गजनी साम्राज्य में ही इसका शासन था, और ये गोर वंश से था, वहां पर यानी गजनी में ही गोर वंश चला करता था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी वहां का शासक था, और ये एक संसबी तुर्क था, ये संसबी जनजाति का ही एक तुर्क था। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका शासन काल, या यूं कह दीजिए कि इसके आक्रमणों का जो काल रहा है, वो 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। बच्चों ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1206 में इसकी मृत्यु मानी गई है, और इसमें इन्हीं आक्रमणों में इंपॉर्टेंट आक्रमण जो है वो मैं आपको करा रहा हूं। बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है इनको और अच्छी तरह से समझना है कि कौन कौन से आक्रमण कब हुए हैं, और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में मुल्तान पाकिस्तान में, और करमाथी मुसलमानों पर ही इसने सबसे पहला अटैक किया था। अगर हम दूसरे आक्रमण की बात करें, तो अगला आक्रमण इसने किया 1178 ईस्वी में, इसने 1178 ईस्वी में एक आक्रमण किया, किस पर, गुजरात पर। देखिए भाई, इसने सबसे पहले 1178 में, कहानी क्या है, कहानी समझिए आप, कहानी यह है कि गुजरात में, यानी जिसे सौराष्ट्र कहा जाता था, महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा मिक्स था जिसे सौराष्ट्र कहा जाता था, और सौराष्ट्र में एक जगह थी सोमनाथ का मंदिर। आपने अच्छी तरह से पढ़ा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सोमनाथ के मंदिर पर सबसे पहला आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, ठीक है। महमूद गजनी ने सबसे पहला आक्रमण किया, और उस समय वहां पर जो आक्रमण किया था उस मंदिर पर, महादेव का मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर, उसी सोमनाथ मंदिर पर उसने पहला अटैक किया था, ठीक है। उस वक्त वो लकड़ी का था। उसके बाद मूलराज द्वितीय, या जिसे हम भीम द्वितीय कहते हैं, चालुक्य वंश का ही शासक था, जिसने उसको पत्थर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इसका जो दूसरा अटैक था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें, इस बार पिछले वाली गलती नहीं दोहराई गई। पिछली गलती क्या थी भाई? पिछली गलती में वहां के पुजारियों के कहने पर भीम फर्स्ट ने, जो भीम प्रथम था, उसने उनकी सहायता नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार जब उसे पता चला कि भाई सोमनाथ मंदिर पर अटैक होने वाला है और अटैक करने वाला जो आक्रमणकारी है वो मोहम्मद गौरी है, जो कि कहां से आया है, आया है गजनी से, इसलिए इस बार भीम द्वितीय ने, यानी जिसे हम मूल राज द्वितीय कहते हैं, आक्रमण किया। तो किस किस के बीच में आक्रमण हुआ? मोहम्मद गौरी और मूल राज द्वितीय, जिसे कहा है भीम द्वितीय, भीम द्वितीय भी उसे कहा गया है। भाई मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में ये अटैक हुआ सोमनाथ मंदिर पर, और सामना किया किसने? मूल राज द्वितीय ने और भीम द्वितीय ने। तो हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हुआ। तो पहली बार किसी आक्रमणकारी को पहली डिफीट मिली, यानी मोहम्मद गौरी को पहली पराजय का सामना करना पड़ा। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में भीम द्वितीय ने ही इसे पहली बार हराया, यानी इसकी फर्स्ट डिफीट हम कह सकते हैं कि इसकी जो पहली हार थी, यानी भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार, कि प्रथम हार या पराजय। भाई मूल राज द्वितीय ने सोमनाथ के मंदिर पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, तो इसका सामना किया किसने? मूल राज द्वितीय ने इसका सामना किया और सामना करके मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पराजित किया तो भारत में मोहम्मद गौरी की इसे पहली हार कहा गया है। भाई अब सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कि भाई पहली बार हार गया था, लेकिन कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन इतना मजबूत था, इतना ज़्यादा सनकी था एक तरह से, कि बार बार मतलब हारने के बावजूद भी आक्रमणों से बाज नहीं आ रहा था। और अगला आक्रमण इसने 1178 में ही, कुछ दिन बाद ही, 1178 में ही इसने एक बार फिर से इसने किस पर? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसने दोबारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी भाई सोमनाथ मंदिर पर फिर आ गया आक्रमण करने के लिए। भाई फिर आक्रमण करने के लिए अगर आ गया तो इस बार फिर सामना हुआ किसके साथ? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के साथ। और इस बार भीम द्वितीय ने क्या किया, जब ये सामना हुआ तो ये भाग खड़ा हुआ, मोहम्मद गौरी भाग खड़ा हुआ, और मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने इसका पीछा किया, और पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए? इसे माउंट आबू पहुंच गया। ये राजस्थान में माउंट आबू है, माउंट आबू में इसको दोबारा पराजित किया भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। भाई आपसे पूछ सकते हैं, बताइए कि दूसरी बार इसे कहां पर पराजित किया? भाई दूसरी बार इसे पराजित किया कहां पर? माउंट आबू में। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई पहली बार हारा, वापस चला गया, दोबारा फिर आक्रमण करने के लिए आया, और आक्रमण करने के लिए आकर इसका फिर से सामना हुआ किसके साथ? भीम द्वितीय के साथ। और इस बार भीम द्वितीय को देखकर ये भाग खड़ा हुआ, और भागने के बाद भीम द्वितीय ने इसका पीछा किया, और पीछा करके इसको माउंट आबू में पराजित किया, और इस बार इसे बंदी बना लिया, मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। तो कहा जाता है कि जब बंदी बना लिया इसको, तो दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के वक्त ये गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, मोहम्मद गौरी ने माफ़ी मांगी मूलराज द्वितीय से या भीम द्वितीय से।
तो इस बात पर तरस आ गया किसको, भीम द्वितीय की माता जी को। भाई भीम द्वितीय की माता जी को तरस आ गया किस पे, मोहम्मद गौरी पे। अब मोहम्मद गौरी गिड़गिड़ा रहा था कि भाई मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आइंदा से कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं आइंदा से कभी हिंदू मंदिरों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ना इन पर आक्रमण करूंगा, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा दया आ गई भीम द्वितीय की माता को, और भीम द्वितीय की माता ने भीम द्वितीय से कहा कि इसे आज़ाद कर दिया जाए। तो इसे आज़ाद कर दिया भाई, और आज़ाद करने के बाद ये पहुँच गया कहाँ पर, वापस गजनी पहुँच गया। ठीक है, तो हटी था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत हटी था, डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत था, बार बार आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आ रहा था, और आक्रमण कर रहा था जब, तो इसे एक बात समझ आ गई कि भाई गुजरात में यानी पश्चिम में अगर आप आक्रमण करोगे तो यहाँ पर जब तक मूल राज द्वितीय भीम द्वितीय का शासन है तब तक बहुत मुश्किल है कि आप गुजरात को विजित कर पाओ या आप सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर पाओ। और भीम द्वितीय का आपको पता ही है कौन से वंश का था, अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश का। गुजरात में वंश था ये चालुक्य वंश, ठीक है, और चालुक्य वंश का ही शासक था भीम द्वितीय, जिसने इसको दो बार पराजित किया। तो अब बात समझ में आ गई पूरी तरह से सभी को कि मोहम्मद गौरी जो है वो दो बार आक्रमण किया उसने गुजरात पर, लेकिन गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान उसका सामना किसके साथ हुआ, भीम द्वितीय के साथ सामना हुआ, और भीम द्वितीय को ही मूल राज द्वितीय कहा जाता है। जब उसने देखा कि सामरिक शक्ति बहुत ज़्यादा है किसके पास, मूल राज द्वितीय के पास, तो अब उसको समझ आ गया कि भाई गुजरात में आपको अभियान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ आओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये बात उसको फिट हो गई, और ये बात फिट होने के बाद उसने दोबारा आक्रमण नहीं किए। तो यहाँ तक आप समझ आ गया होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और मैं इसको रब करूँगा, इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई ये इसका पहला आक्रमण था मुल्तान में, दूसरा आक्रमण इसने गुजरात में दो बार आक्रमण किया, और दो बार आक्रमण करने की वजह से ये दोनों बार ही पराजित हुआ। ठीक है, भारत में ये इसकी पहली पराजय भी थी, और पराजित होने के बाद अब इसने गुजरात की तरफ रुख करना बंद कर दिया, लेकिन आक्रमण करना इसने नहीं छोड़ा, आक्रमण जारी रखे। ठीक है, और अब इसने जो रुख है वो कश्मीर की तरफ रुख किया, सिंध और कश्मीर की तरफ रुख किया, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी थे वो जब इधर से आया करते थे तो पंजाब की एक जगह थी सिंध, जिसे हम आज पाकिस्तान में जो है सिंध, वहीं से ये एंट्री करते थे भारत में आक्रमण करने के लिए। तो इसने अगला जो आक्रमण किया वो 1179 में, भाई 1179 में इसने सिंध और कश्मीर को पराजित किया, और कश्मीर पर आक्रमण करके भाई सिंध और कश्मीर पर इसने अटैक किया, अटैक करके वहां के शासकों को इसने पराजित किया, और पराजित कर वहां पर अधिकार कर लिया। क्योंकि देखिए इस जगह पर जो है कमजोर शासक शासन किया करते थे, और यही वजह थी कि इसको यहां पर सफलता मिली, और इस सफलता से ये बड़ा प्रभावित भी हुआ कि भाई सिंध और कश्मीर पर उसका जो है कब्जा हो गया, अधिकार हो गया है। तो ये इसका तीसरा अटैक था जिसे हमने 1179 में सिंध और कश्मीर का आक्रमण पर अधिकार माना है।
ठीक है। अब एंट्री किसकी होती है, एक फेमस हीरो की एंट्री होती है, और फेमस हीरो की एंट्री की अगर हम बात करें, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक ऐसा हीरो जिसे हिंदू समाज ही नहीं बल्कि जितना भी राजपूत समाज है, या हम यूँ कह लें कि भारत के राजाओं की अगर हम बात करें, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं वो एक महान शासक हुए हैं, ठीक है। और महान शासक होने की वजह से इतिहास में उनको याद किया जाता है बार बार, और जब जब हम पढ़ते रहेंगे तराइन का युद्ध, जब जब हम पढ़ते रहेंगे जयचंद, जब जब हम पढ़ते रहेंगे संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का स्वयंवर, या हम ये कह लें कि जब जब पृथ्वीराज रासो का जिक्र होगा तब तब पृथ्वीराज चौहान का जिक्र भी होगा। अब पृथ्वीराज चौहान हीरो हैं भाई, पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे शासक हैं, और अगर हम उनकी बात करें, शासन की बात करें, तो देखिए तीन जगह थी, एक थी दिल्ली, या हम उत्तर भारत की बात कर लें, दिल्ली, अजमेर और सांबर। देखिए राजस्थान में एक जगह है सांबर, और सांबर झील भी है भाई, राजस्थान दिल्ली और सांबर, सांभर, ठीक है। सांभर जो है में शासन किया करता था कौन, शासन था किसका, चौहान वंश का। और चौहान वंश का शासन था उत्तर भारत में, कौन शासन किया करता था उस समय, दिल्ली अजमेर और सांभर के इस पूरे क्षेत्र में चौहान वंश का शासन था, और चौहान वंश का ही जो शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय उत्तर भारत में शासन किया करता था, अगर हम बात करें कहाँ की, दिल्ली अजमेर और सांभर की, तो इसी पूरे क्षेत्र पर किसका शासन था, चौहान वंश का, और चौहान वंश में किसका शासक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। भाई पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया, हमने बचपन में पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक शब्द भेदी बाण हुआ करता था, और वो उस बाण से मतलब किसी भी शब्द पर निशाना लगा सकते थे, यानी कि एक महान शासक हुए, एक अच्छे शासक हुए हैं। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट अटैक की, भाई पृथ्वीराज चौहान, अब क्या हुआ था कि गुजरात में तो वो डिफीट हो चुका था मूलराज द्वितीय से या भीम द्वितीय से, तो अब पश्चिम की तरफ तो जाना उसने बंद कर दिया, अब वो उत्तर में आ गया, और उत्तर में सबसे पहले उसने क्या किया, सिंध पर और कश्मीर पर आक्रमण करके अधिकार जमा लिया। अब जब उसका अधिकार जम गया, जब वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया सिंध और कश्मीर को कब्जा करके, अब उसने फोकस किया कि मैं उत्तर भारत पर आक्रमण करता हूँ, लेकिन उत्तर भारत को जीतना तब तक संभव नहीं था जब तक पृथ्वीराज चौहान को डिफीट ना किया जाए, या पृथ्वीराज चौहान को हराया ना जाए। भाई पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान खुद एक महान शासक थे, एक अच्छे धनुर्धर थे, और पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे किसके लिए, मोहम्मद गौरी के लिए। लेकिन इसने फिर भी एक अभियान किया, मतलब एक युद्ध किया, कौन सा, 1191 ईस्वी का प्रथम तराइन युद्ध, भाई प्रथम तराइन युद्ध 1191 का किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। भाई युद्ध हुआ कहां पर, तराइन में, तराइन कहां पर है, तराइन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तराइन जो है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है तराइन, ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं तो चावल की इंडस्ट्री के लिए बड़ी मशहूर है तराइन, तरावड़ी जिसे कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान का किला वहां पर था, और इसी मैदान में पहली बार एक मुस्लिम आक्रमणकारी और एक हिंदू शासक के बीच एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने
मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया, बुरी तरह से पराजित कर दिया। कहते हैं बड़ा ढीठ था, मैं आपको बार बार बताना, बड़ा ढीठ था, बड़ा ही आक्रमण, मतलब किसी तरह की कोई बेइज्जती वगैरह महसूस नहीं किया करता था, क्योंकि अगर ये बेइज्जती महसूस करता तो वापस चला जाता, कब, जब गुजरात में इसकी फर्स्ट डिफीट हुई। लेकिन ऐसा नहीं था, फिर इसने रुख किया उत्तर भारत में, और पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और इसको लेकर गया दिल्ली, और दिल्ली में ले जाकर मोहम्मद गौरी की परेड कराई, मोहम्मद गौरी का मुंह काला किया, उसको गधे पर बिठाया और उसकी बेइज्जती की पूरी जनता के सामने। कहते हैं कि भाई लेकिन फिर भी क्या, उसने पांव पकड़ लिए दरबार में और माफ़ी मांगी पृथ्वीराज चौहान से कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं आइंदा से कभी दिल्ली पर या अजमेर पर कभी भी आक्रमण करने की नहीं सोचूंगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और कहा जाता है कि देखिए हमारे जो हिंदू शासक थे, दया भावना थी, इसलिए इसको छोड़ दिया, पराजित कर कर इसको छोड़ दिया और ये वापस चला गया। अब ये वापस चला गया तो इस बीच एक घटना घटी जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई। कन्नौज में कई बच्चों ने जब एंशियंट हम पढ़ते हैं तो कन्नौज का एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कन्नौज में एक शासन था, एक वंश चला करता था जिसे हम गढ़वाल वंश कहते हैं। कन्नौज में एक गढ़वाल वंश था, गहड़वाल वंश, और इसी गहड़वाल वंश का शासक था जयचंद। आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई, नाटक भी आप सभी ने देखा होगा, सीरियल्स आए थे। और जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था, जयचंद की पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था संयोगिता। भाई सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, और उसकी एक पुत्री थी संयोगिता, और इनकी प्रेम कहानी जो है वो प्रचलित है। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों का प्रेम था, किसका, संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान जो है वो शादी करना चाहता था संयोगिता से, लेकिन जयचंद बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, किसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भाई पसंद नहीं किया करता था। तो इसने क्या किया, जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा दिया, जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा दिया, लेकिन किसको इनविटेशन नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इनविटेशन नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब इनविटेशन नहीं दिया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, तो इसे भी अपमान महसूस हुआ, और इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वो पहुंच गया अपनी प्रेमिका को। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, आप सभी फिल्मों में क्या होता है कि भाई अगर हीरोइन की शादी कहीं और की जा रही हो तो हीरो पहुंच जाता है, एंट्री कर लेता है, तो हीरो की तरह ही इन्होंने एंट्री की और किसका अपहरण कर लिया, संयोगिता का अपहरण कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को का अपहरण कर लिया भरे स्वयंवर से और उसके साथ आकर शादी कर ली। भाई इसी कहानी से कंक्लूजन निकला, इसी कहानी से ही पृष्ठभूमि तैयार हुई, किसकी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार की पृष्ठभूमि यहां पर तैयार हुई। और यह पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा वो जयचंद उभरा, और आप सभी जानते हैं कि भाई तू तो जयचंद है। किसी भी गद्दार को हम उपाधि देते हैं कि आप जयचंद हो, भाई अगर जयचंद ना होते तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय कभी पराजित नहीं होते। तो इस कहानी को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जयचंद जो है गढ़वाल वंश का शासक था, और जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता से विवाह करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, लेकिन ऐसा नहीं चाहता था कौन, जयचंद, इसलिए भरे स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया। और इस अपहरण के बाद पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली किससे, संयोगिता से। इस बात से पूरी तरह से खफा हुआ कौन, जयचंद। ना सिर्फ खफा हुआ बल्कि बदला लेने की सोचने लगा, किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। अभी उसे पता चला कि भाई मोहम्मद गौरी जो है, जो गजनी का शासक है और जिसका सिंध और कश्मीर पर भी अधिकार है,
तो एक मैसेज आया, एक मैसेज भेज दिया कि मोहम्मद गौरी को कि जब आप पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण करेंगे तो उस वक्त मैं आपकी सहायता करूंगा। जयचंद ने ये मैसेज भेज दिया, ये संदेश भेज दिया किसके पास, मोहम्मद गौरी के पास। और मोहम्मद गौरी को अब पता चल गया कि उसे सपोर्ट जो है वो मिलने वाली है। और ये सपोर्ट जब उसे मिली, जब उसे पता चला कि जयचंद उसका साथ देगा, तो वो एक बार फिर से खड़ा हो गया। और मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसा आक्रमणकारी था कि चाहे कितनी बार डिफीट हो जाए, बार बार प्रयास, बार बार प्रयास। और अगर इतिहास से आपने कुछ सीखना है, भले वो विलन हो या वो शासक हो हमारे देश का, या वो आक्रमणकारी हो, एक ही बात सीखनी है कि डिटर्मिनेशन जितना मजबूत होगा, प्रयास जितना मजबूत होगा, बार बार जब प्रयास करेंगे हम, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें नहीं आए। हम अगर बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार एनालाइज करते हैं चीजों का, तो वो आएगी, वो समझ आएगी अच्छी तरह से। और यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया कौन, मोहम्मद गौरी, क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर थी, उसके अंदर एक सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उसे भारत पर आक्रमण करने हैं। तो उसने फिर से अपने आप को समेटा, तैयार किया, मजबूत किया और फिर से आक्रमण करने के लिए निकल गया। 1192 का सेकंड बैटल ऑफ द्वितीय तराइन युद्ध, जिसे हम कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, द्वितीय तराइन युद्ध। भाई द्वितीय तराइन युद्ध में कौन कौन थे? द्वितीय तराइन युद्ध में भी सेम, यहां समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार इसको ऊपर लिख देता हूं, आप नीचे अगर नहीं आ रहा तो। पृथ्वीराज द्वितीय में भी कौन हुआ? द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद प्लस जयचंद, जयचंद की संयुक्त सेनाएं थी। एक सेकेंड, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इस युद्ध का परिणाम आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि भाई इसी की दगाबाजी की वजह से, धोखेबाजी की वजह से, या दुश्मन का साथ देने की वजह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो हार गया और मोहम्मद गौरी जो है द्वितीय तराइन युद्ध जीत गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं इसी को, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। और कल की क्लास में आपको ये कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने तराइन युद्ध पढ़े हैं, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और प्यारे बच्चों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि सरस्वती अकेडमी की अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पानीपत से बिलोंग करते हैं, आप आइए, यहाँ पर ऑफलाइन में भी हमारे बैचेस चलते हैं, आप यहाँ पर आकर तैयारी कर सकते हैं सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और आपसे एक बार 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 आपसे यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं बच्चे वो पढ़ सकें और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।